सत श्री अकाल जी सारे स्टडी ड्रीम मेकर इमीग्रेशन कोटपुरा यूट्यूब चैनल देख रहे सारे दर्शकों का मेरे मेरी टीम वालों स्वागत है जी। दो तो अज का इंटरव्यू खास रहेगा कनेडा स्टूडेंट वीजा वाले बच्चों वास्ते जी। दो तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे हैं, कॉल्स आ रही हैं कि साड़ी जो पेमेंट लिंक है काफ़ी ज़्यादा लेट आ रहे हैं, साड़ी पी पी आर बहुत ज़्यादा लेट आ रही है। दोस्तों मैं सीवी सारा थोड़ा ये क्लीयर करूँगा, प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है सारी वीडियो एंड तक देखो तो जो है प्रॉब्लम का जो हल है निकल सके। दोस्तों पिछले काफ़ी समय तो प्रोसैस वधिया फास्ट चल रहा है कनेडा पी पी आर का, पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ रही ने, पेमेंट लिंक जोड़े है आ रहे हैं। पेमेंट लिंक तो VFS ने एक न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट करता है वैब थ्रू के जरिए तुम आपकी हैगी पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने तो बाद पेमेंट लिंक रिक्वेस्ट कर सकते थे। वो काम वधिया फास्ट चल रहा, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स के पेमेंट लिंक आ रहे हैं, पासपोर्ट सबमिट हो रहे हैं, स्टैंपिंग हो रही है, काफ़ी सारे स्टूडेंट ट्रैवल भी कर रहे हैं। दोस्तों मैं एक तुम्हें क्लीयर कर देना चाहना, VFS वो नवी अपडेट अनुसार VFS ने एक पोस्ट पाई हुई है अपनी वैबसाइट पर कि जोड़ा है अगर नैक्सट प्रोसैस है स्लो चलेगा, क्योंकि काफ़ी सारा ज़्यादा रश होने करके VFS सेंटर का जोड़ा है काम स्लो कर दिता गया है। एक जी वो प्रॉब्लम आ रही है कोविड करके जोड़ा है उन्होंने मैन पावर्स वगैरह हैगी घट रही है, तो उस करके जो प्रोसैस सारा डिले हो रहा, क्योंकि पासपोर्ट रिक्वेस्ट आने बाद काफ़ी ज़्यादा टाइम ले रहा है VFS सेंटर पेमेंट लिंक सेंड करने लिए। यह तुहाड़ी इकल्ले दी प्रॉब्लम नहीं है, सारे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस चीज़ का सामना करना पै रहा, यह प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स, क्योंकि पहला PAPR की वेट कर रही स्टूडेंट्स भी पासपोर्ट रिक्वेस्ट कदों आनियाँ स्टार्ट होनियाँ। पासपोर्ट रिक्वेस्ट लेटर्स वधिया आ रही ने, फास्ट आ रही ने, पर जो है VFS का काम जो वर्किंग है स्लो हो चुकी है, वर्किंग लोड बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा हो चुका उन्होंने, क्योंकि उन्होंने मैन पावर की कमी होने करके जोड़ा है काम ज़्यादा स्लो कर रहे हैं, क्योंकि मेन प्रॉब्लम जी है कोविड के करके चल रही है, क्योंकि कोविड करके स्टाफ उन्होंने प्रॉपर नहीं आ रहा वर्किंग के लिए, सो इस करके जो डिले हो रहा एप्लीकेशन का। जो स्टूडेंट्स की PPR आ चुकी है वो अपनी है ऑनलाइन क्लास स्टार्ट कर चुकी है, वो अपनी ऑनलाइन क्लास करने ध्यान देन, क्योंकि हैगी 10-15 दिन थोड़ी रिक्वेस्ट स्टैंपिंग के लिए आ सकती है, पेमेंट लिंक आ जाएगा, पेमेंट लिंक तो फीस पे करने के बाद वेबल नंबर राही तुम अपना पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हो, स्टैंपिंग होने तो बाद अपना ट्रैवल कर सकते हो। सो दोस्तों एक इतने एक बहुत वड्डिया हैगी वड्डी ऑप्शन जी है मई इनटेक वाले स्टूडेंट्स है उन्होंने इस प्रॉब्लम का सामना करना पै सकता, क्योंकि जोड़े है स्टूडेंट्स की पहला PPR आई चुकी है, अपने पासपोर्ट सबमिट काफ़ी स्टूडेंट्स करवा भी चुके हैं, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स है पेमेंट लिंक से वेट कर रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा रश होने करके मई इनटेक से इस चीज़ का असर पै सकता। सो जोड़े दोस्तों अपने है AAP आ चुकी ने जा किसी स्टूडेंट्स ने अपनी PPR आ चुकी है उन्होंने अपनी ऑनलाइन क्लास है ज्वाइन करो, डेफरमेंट ना करो, जे तुम अपना डेफरमेंट करके चलोगे इनटेक डेफर करके चलोगे तो तुम्हें उस चीज़ के प्रॉब्लम का सामना करना पै सकता, क्योंकि जो तुम PPR आ चुकी है तो 10 दिन 15 दिन या 20 डेज हैगी पेमेंट लिंक आ जाएगा, तुम अपना पासपोर्ट सबमिट करवा सकते हो, स्टैंपिंग के लिए स्टैंपिंग होने बाद ट्रैवल कर सकते हो, बट जो अपना इनटेक डेफर करवा के चलोगे तो तुम्हें नैक्सट इनटेक वेट करनी पवेगी, तुहाडा टाइम जो है काफ़ी खराब हो जाएगा, क्योंकि वीजे के टाइम घट सकता तो चीज़ पर। सोच अपने डेफरमेंट करनी तुम आपका ध्यान ज़्यादा ना दो, जो तुम AAP आ चुकी है पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है तो तुम अपन क्लासेस ऑनलाइन ज्वाइन करो, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करने तो पहले इस चीज़ का खास ध्यान रखना, तुम अपनी कॉलेज की रीफंड पॉलिसी जरूर चैक करके चलो, जो स्टूडेंट्स AAP आ चुकी है उन्होंने रीफंड पॉलिसी चैक करने का सब तो वड्ड उन्होंने प्रॉब्लम आ सकती है, उन्होंने चैक करनी जरूरी है अपनी रीफंड पॉलिसी, जो अपनी रीफंड पॉलिसी नहीं तुम अपनी चैक करके चलते तो तुम इस चीज़ पर अगर बाई चांस थोड़ा VR फ्री हो जाता तो थोड़ी पेमेंट जी है ज़्यादा कट हो सकती है। सो इस स्टूडेंट्स को अपना खास ध्यान रखना इस चीज़ पर, जिन्हें स्टूडेंट AAP आ चुकी है AAP आने बाद जो स्टूडेंट्स ने अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करनिया ने तो उन्होंने अपना कॉलेज की रीफंड पॉलिसी जरूर चैक करने की जरूरत, जो तुम अपनी AAP आने बाद रीफंड पॉलिसी नहीं चैक कर सकते तो फीस लॉस हो सकता। जो स्टूडेंट की पासपोर्ट रिक्वेस्ट आ चुकी है PPR आ चुकी है वो आपकी है ऑनलाइन क्लासेस लगा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी वीजा डन हो चुकिया उन्होंने इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती, उन्होंने रीफंड पॉलिसी जी है चैक करने की ज़्यादा जरूरत नहीं पवेगी। सो जो स्टूडेंट्स AAP आ चुकी है उन्होंने इस चीज़ पर खास ध्यान देने की जरूरत है, उन्होंने रीफंड पॉलिसी जरूर चैक कर उस तो बाद अपनी क्लासेस ज्वाइन कर। सो जो स्टूडेंट्स के मई इनटेक लए हुए हैं स्टूडेंट्स ने उन्हें वीजे जल्दी डन हो जाएंगे, उस स्टूडेंट का मई इनटेक शुरू होने तो पहले ट्रैवल कर सकते हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स के जनरल इनटेक से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स अपनी ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन कर चुके हैं, अपनी स्टडी कैरी ऑन कर चुके हैं, जिन्हें स्टूडेंट्स के पासपोर्ट अभी तक नहीं सबमिट हुए थे वो इमीग्रेशन VFS सेंटर
ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਸਟ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ, ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵਧੀਆ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਾਸਟ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕਦਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੈਗਾ VFS ਸੈਂਟਰਸ ਦੀ ਹੈਗੇ ਵਰਕਿੰਗ ਲੋਡ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਆਵੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗਾ, ਹੈਗਾ AAP ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਸਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਰਹੇ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਸਟ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਵੀ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਂਪਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਪਾਸਪੋਰਟ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਵਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕੋਗੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਪਾਸਪੋਰਟ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਟਰੈਵਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ 3 ਡੇਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੋਵਿਡ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਵੇਗੀ। 3 ਦਿਨ ਦਾ ਸਟੇਅ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਔਨਲਾਈਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪੇਮੈਂਟ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦਾ ਲਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ 14 ਦਿਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ ਆਪਦਾ ਸਟੇਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਾਲਜ ਦਾ ਹੈਗਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਰੈਡੀਨੈਸ ਪਲਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਹੋਟਲ ਬੁਕਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਜਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਕੈਸਟ ਬਾਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪੂਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।